पेज नंबर ए क्वेश्चन नंबर बोलिएगा सिंपलीफिकेशन का मतलब ये होता है कि पूरा एक्सपेंड करने के बाद छोड़ दिया कि अब ये ना ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकता। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स निकाल के दिखाना यानी कि मल्टीप्लिकेशन। सिंपलीफिकेशन में अलग अलग टर्म्स होती हैं, फैक्टराइजेशन में केवल एक टर्म होती है। इसे पहले सिंपलीफाई करेंगे। अच्छा माइनस ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी का होल स्क्वायर माइनस सिक्स बी स्क्वायर माइनस नाइन बी सी क्या नाइन बी सी बस चेक कर लो सबसे लिखा है। ओपन करके देखते हैं पहले क्या होता है। टू ए बी आता है या ए बी आता है? प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी आता है ना। प्लस का नाइन टू माइनस माइनस को लेकर नहीं माइनस के साथ ठीक है। कई बार हम भी जानबूझ कर गलती करते हैं ये देखने के लिए कि अटेंशन यहाँ है या बस अटेंशन इस बात का ही आंसर आएगा या नहीं। हो सकता है ये जो मैं कर रहा हूँ सब गलत हो जाए लेकिन फिर भी करके देख रहे हैं पहले। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर फोर बी स्क्वायर से फोर बी स्क्वायर फोर ए बी फोर ए बी ट्वेल्व ए बी ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें फैक्टराइज क्या कह रहे हो फोर ए कॉमन टू बी प्लस थ्री सी माइनस टू बी कॉमन थ्री बी कॉमन टू बी प्लस थ्री सी ये तो मैं पहले ही सोच चुका था वहां से
पहले मैंने जब ये सोच लिया था तो ये चीज मुझे यहाँ मिल गई थी, लेकिन कॉमन फिर भी नहीं आ रहा था। तभी मैंने कहा आपसे कि पहले इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने की वजह यही थी कि वहां से तो वो आना ही आना है, वो तो सोच लिया था मैंने। अब बाद में करते तो अलग बात है, लेकिन वही प्रेडिक्शन सही हुई कि ये आना ही आना है। अब इन सब में 2b कॉमन आ गया, वो पहले 2 लिख दिया था ना, उसके से 4a माइनस कोई डाउट ए का आंसर देखो।